अस्सलाम वालेकुम। आज मास्टर इलेक्ट्रिक टीवी में मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आज हम 4 चैनल का एक DVR है उसके कनेक्शन करने सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास अधावा कंपनी का 4 चैनल का DVR है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 चैनल हैं। ये आउटपुट माइक की है, कंप्यूटर LCD अटैच करने के लिए, HDMI केबल, माउस, इंटरनेट, इस 12 वोल्ट चार्जर। तो ये देखें, ये इसका है चार्जर। तो ये DC 12 वोल्ट पे चलता है DVR, ये इस पे हम लगाते हैं। तो ये देख लें, ये इसका चार्जर हो गया। अब देखते हैं BNC पिन, ये है BNC पिन इसकी। तो हम इसके नंबर 1 पर BNC पिन लगाते हैं। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, ये इसका लॉक है, लॉक इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये देखें, तो ये आपकी केबल अटैच और ये मज़बूत है। उसके बाद DVR के साथ यहाँ पे आप USB भी लगा सकते हैं और माउस की ये जगह है, ये आप देख सकते हैं, ये माउस की पिन इस जगह पे लगती है। ये आ गया माउस और ये माउस इसके साथ लग चुका है। अब नंबर आता है कैमरे का। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कंपनी के बहुत सारे कैमरे आ रहे हैं, धावा के आ रहे हैं, बहुत सारी और कंपनी है। तो ये इसकी वीडियो की पिन है और ये DC 12 वोल्ट करंट के ऊपर लिखा भी हुआ है, DC 12 वोल्ट पर ये कैमरा चलता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक सप्लाई भी है, ये देखें, तो ये 12 वोल्ट करंट की है सप्लाई और ये 2 एम्पेयर की सप्लाई है। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मेरे 4 कैमरे चला सकती है। और ये देखें, इस जगह पर ये पिन लगती है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट पिन लगाई हमने। और ये कैमरे का कनेक्शन आप देख सकते हैं, इस तरह के कैमरे के कनेक्शन आसानी से आप सारे कैमरों के ऐसे ही होंगे। तो उसके बाद ये आगे BNC पिन और ये देखें, इसके साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये देखें, और ये इसको घुमाना है थोड़ा सा, ऐसे ये घुमाएंगे और ये लॉक टाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्शन का यही तरीका है। ये एक कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है हमारा कैमरे का DVR के साथ। तो ऐसे ही जितने भी आप कैमरे ले लें उसके साथ ऐसे ही आपको कनेक्शन करना होगा। जैसे आप और कैमरे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जितने भी कैमरे देखेंगे कनेक्शन सेम ही रहेंगे। ये डोम कैमरा है, देखें इसके साथ भी कनेक्शन सेम है। ये 12 वोल्ट DC और वीडियो की ये पिन BNC इसके साथ कनेक्ट, ये देखें। तो ये मुकम्मल ऐसे ही होगा सारा कुछ। वैसे आप बहुत सारी केबल की तार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तार इस्तेमाल करनी चाहिए वीडियो के लिए। जैसे ये है 6 6000 वाली तार, ये वीडियो के लिए इस्तेमाल होगी, ये देख सकते हैं आप। अब अपनी BNC पिन को अगर दरमियान से काटते हैं तो ये 2 हिस्सों में हो जाती है। जैसे ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये दोनों तरफ से फीमेल है। तो जब दरमियान से काटेंगे इस जगह से तो ये 2 पिनें बन जाएंगी, एक DVR के साथ कनेक्ट हो जाएगी, दूसरी इस तार के साथ। और इसके साथ हमें एक 12 वोल्ट की पिन भी लगानी पड़ेगी, ये वाली, ऐसे इसके कनेक्शन भी करने पड़ेंगे इस जगह पर। ये देखें, ये इसका 12 वोल्ट करंट भी इसमें जाएगा। और आजकल माइक वाले भी आते हैं कैमरे, अगर हम किसी की ऑडियो भी सुनना चाहते हैं तो ये उसके लिए तारें इस्तेमाल होंगी कैमरे के साथ। ये हमारे वहाँ पर आ गया DC, ये इस जगह पर BNC आ गई और ये आप देख सकते हैं ये कनेक्शन है इस कैमरे के। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी कनेक्शन किस तरह करते हैं। ये कैमरे के देख सकते हैं न्यूट्रल और ये वीडियो की है केबल और ये कैमरे के लिए है और ये 12 वोल्ट करंट। तो आप देख सकते हैं यही तरीका है कनेक्शन करने का। तो बहुत सारे कैमरे, जैसे ये कैमरा आप देख लें, एक बहुत बड़ी बॉडी में कैमरा है और ये भी 2 मेगापिक्सल है। और आप देख सकते हैं सेम, कोई भी कैमरे में फ़र्क नहीं है, इसके साथ भी ये BNC पिन लगेगी, ये देखें। तो ये देख सकते हैं आप, और इसी के साथ वो 12 वोल्ट करंट, हर कैमरे को 12 वोल्ट ही चाहिए, इससे ज़्यादा करंट पर कैमरा कोई भी नहीं चलता। आप देख सकते हैं इसको भी ये 12 वोल्ट ही लगेगा, ये देख लें और देखें ये मुकम्मल कनेक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, जिससे मैं समझूंगा कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मैं और वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाता रहूंगा। ये आप देख सकते हैं 4 चैनल का DVR और इसके अंदर 1 TB की हार्ड ड्राइव है। तो
ये एक ज़बरदस्त सेटअप है, मकूल पैसे तकरीबन 15 से 16 हज़ार या 18 हज़ार या 20 हज़ार में आराम से बन जाता है अच्छे कैमरों के साथ। मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के कैमरे आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं, और ये सैमसंग कंपनी का कैमरा है, ये भी धावा कंपनी के ऐसे कैमरे आपके सामने पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आपकी वीडियो आज को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मुझे भी और आपको भी ज़िंदगी और सेहत दे, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगा। अल्लाह आपको और मुझे ज़िंदगी और खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।